ये पीछे दो पीछे दो। राखी जी यहाँ पे, राखी जी, राखी जी, राखी जी इधर इधर, राखी जी राइट में देखो, राखी जी राखी जी, ये साइड आना, अरे लाइट बराबर नहीं है भाई, रुक जा, अरे भैया एक मिनट जाओ, आगे जाओ, जब तक आगे जाओ, फरहान थोड़ा ये रखो, ये रखो, गाड़ी का तो जान दो, जान दो, जान दो, गाड़ी को आगे चलो, आगे चलो, सब आगे चलो, बोलिए बोलिए फटाफट। कोर्ट पे आज जो कल सेशंस कोर्ट ने ये कोर्ट की ऑर्डर सेट असाइड की थी, जुडिशियल कस्टडी से अब पुलिस कस्टडी देने के लिए बोला है, तो आज आदिल खान दुरानी को आथर रोड जेल से वापस लाया जाएगा, रिमांड में पेश किया जाएगा, और आगे फिर कोर्ट क्या करते वो अभी हमें पता नहीं है। आपकी तरफ से कुछ आज प्रूफ या फिर कोई सबूत पेश हो? हम ऑलरेडी बहुत सारे प्रूफ दे चुके हैं, हम खाली कोर्ट में यही रिक्वेस्ट करेंगे और सरकारी वकील भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि उसको पुलिस कस्टडी ज्यादा से ज्यादा दिन दी जाए। आज मैसूर पुलिस का क्या रोल रहने वाला है? वो यहीं पे खड़े हैं मैसूर पुलिस, उनको बुला लीजिए ना, तो मैसूर पुलिस एप्लीकेशन करेगी क्योंकि उनको भी उसकी कस्टडी चाहिए। अब वो कोर्ट में मैसूर पुलिस यहाँ पे एक हफ्ते से है, कोर्ट पे डिपेंड करता है कि किसे कस्टडी देते हैं। मैम कोर्ट पे डिपेंड करता है, जैसे फाल्गुनी ने कहा के ओशिवारा पुलिस स्टेशन या मैसूर पुलिस, अभी देखते हैं क्या होता है। मैसूर पुलिस का कुछ बयान आज वो को खड़े हैं उधर, बुला लीजिए ना, वो नहीं आ रहा, सब पता चलेगा अभी, मैं भी तो अभी कोर्ट में आई हूँ। एक्सटॉर्शन का कुछ आज कुछ बयान आज होने वाला है, नया केस नहीं, हम कोर्ट में बोलेंगे, अभी कुछ बोल के मतलब नहीं है, जो भी केस है हमारी एफआईआर है, फर्दर स्टेटमेंट में वही हमारी केस है। जज ने छुट्टी उनकी वकील की तरफ से ये सारे बयान आए थे कि धमकी वाले कॉल्स आ रहे, धमकी दी जा रही है, उसको लेके आप क्या कहना चाहोगे? मैं भी एक वकील हूँ, अगर उनके वकील ये कह रहे हैं तो केस जीतने का ये तरीका नहीं है, आप लीगली जाओ और अच्छी तरीके से प्रिंसिपली काम करो, मॉरल और प्रोफेशनल एथिक्स कुछ होते हैं, अगर आपके हाथ से बाजी निकल रही है इसका मतलब ये नहीं है कि आप झूठ बोल रहे हो। धमकी देने के लिए हमारे पास टाइम ही नहीं है, और क्यों देंगे धमकी जब हमें कोर्ट से जस्टिस मिल रहा है, कोर्ट में हम मेहनत कर रहे हैं, कोर्ट से हमें सारी चीजें, हम लीगली जा रहे हैं, तो हमें इलीगल काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब पैतरे है ना हारने वालों के होते, जीतने वाले कोर्ट में जवाब देते हैं। राखी जी आप एक्सटॉर्शन को लेके क्या आप सब चीजें हम लोग बात नहीं, जो पैसे के मामले में ज्यादा नहीं बोल सकते, वो ओशिवारा पुलिस, मेरी एडवोकेट अशोक सरोगी जी और कोर्ट काम कर रहे हैं। Right. और मुझे बहुत जोर से हंसी आ रही है इनके एडवोकेट पे आदिल के, कैसे झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। क्या आपको लगता है ये हारने के वजह से लग रही है सारे इल्जाम ऊपर डाल रहे हैं? एक बात बोलूं? हाँ मैडम बोलिए ना। उनकी तरफ से जो आता है, जो उनको स्टेटमेंट देने हैं देने दीजिए, हमें उसका जवाब नहीं, उनके पास कायदा है, और आदिल तो जेल में है, तो किसने धमकी दी? उनके वकील को right. दिया और उनके वकील उनकी मॉम को उन्होंने अभी मीडिया वाइट में उन्होंने कहा इतने दिन नहीं दी धमकी, आज उनकी मॉम को धमकी जा रही है। मेरा तो मैं फोन करती हूँ, उनके मम्मी डैडी फोन ही नहीं उठाते, काट देते, बात नहीं करना चाहते। मैं एक बार मुझसे बात तो करे कि वो कहे तो सही कि आपका बेटा 7-8 दिन से जेल में, आप लोग मिलने भी नहीं आए हो उनको। राखी को अगर धमकी देनी होती या दिलवानी होती ना, तो आज कोर्ट के धक्के जो खा रही है, पुलिस स्टेशन और कोर्ट के धक्के खा रही है ना, वो नहीं खाती, और हमारे पास भी इतना टाइम नहीं है yes. कि हम यही सब करते हैं। मैम आज आठवले साहब से प्रोटेस्ट भी होने वाला मुझे है, वो मैं बाद में बात। ओके राखी।